आपने नोटिस नहीं दिया और वही दिन क्यों एक्शन लिया गया? क्यों हम हिंदुस्तानी नहीं है? हमें बुरा नहीं लगेगा? मेरा रोड में हो गया, उसके बाद ये मोहम्मद अली रोड पे 40 दुकानें तोड़ी है। कम्युनल टेंशन को बढ़ाने का काम हो रहा है। मुंबई के पास का मीरा रोड इलाका, जहां 21 जनवरी को सांप्रदायिक तनाव हुआ, हिंसा भड़की और फिर बुलडोजर से दुकानें तोड़ी गईं। इसके बाद जिंदगी पटरी पर तो लौट आई है, लेकिन लोगों के कई सवाल बाकी हैं। अरीशा सैयद की दुकान पर भी बुलडोजर चला। नगर निगम का कहना था कि ये 15 अवैध दुकानें थीं, इसलिए हटा दी गईं। मतलब इस पर स्क्रॉल कर रही थी तो फिर वो मुझे वो आया, रील आया, तो उस पर सिर्फ मैंने उनका कमेंट देखा तो लाइक 50,000, 43,000 में से सिर्फ कितना सारा तो सिर्फ उनका ये था कि बुलडोजर मीरा रोड पे चलना चाहिए, और वो सुबह में बुलडोजर हो गया। ऐसा उम्मीद नहीं थी कि सच में करेंगे, कि हमारी तरफ से भी सोचा जाएगा कि नहीं सोचा जाएगा, ये सोचा नहीं गया। आपने नोटिस नहीं दिया और वही दिन क्यों एक्शन लिया गया? काश उससे पहले होता, एक दिन पहले कर लेते तो काश ये नहीं होता। कि हमारा तो नैरेटिव वही है ना कि क्यों हमारा उसी दिन क्यों हुआ, क्यों हम हिंदुस्तानी नहीं है, हमें बुरा नहीं लगेगा? अलीशा की तरह कई दुकानदारों ने बीबीसी को बताया कि नगर पालिका ने कोई नोटिस जारी नहीं किया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वो कई सालों से बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि 21 और 22 जनवरी को नया नगर इलाके में सांप्रदायिक हिंसा के बाद 23 तारीख को ये कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के बाद फिर से मीरा रोड के सेक्टर 3 में कुछ गाड़ियों पर हमला हुआ, जिसमें अब्दुल हक चौधरी के ट्रक का नुकसान हुआ और उनका ड्राइवर जख्मी हो गया। इसके दूसरे ही दिन 24 जनवरी को मुंबई नगर निगम ने दक्षिण मुंबई में मोहम्मद अली रोड पर इब्राहिम मर्चेंट स्ट्रीट पर लगभग 40 फेरी वालों और दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की। नगर निगम का कहना है कि ये गैर कानूनी थे। हुसैन नूरानी का नूरानी मिल्क सेंटर पिछले 88 सालों से यहाँ है। उनका मानना है कि ये कार्रवाई मीरा रोड की घटनाओं की पृष्ठभूमि में की गई है। 8:30 बजे वो लोग आए अचानक से, बिना नोटिस के वो लोग ने तोड़ना चालू कर दिए। कुछ हम लोग इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी हमारे को। हमारा स्वीट्स की शॉप है तो कस्टमर्स पे इफेक्ट पड़ा, कस्टमर्स के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा। और दूसरी बात, हमारा जो कैनेपी है बाहर, फोल्डिंग छपरा है, वो तोड़ दिया गया। सेलेक्टेड कोई कुछ लोग इंक्रोचमेंट तोड़ रहे थे वहाँ मीरा रोड में जो हुआ, उसके बाद में ऐसा अचानक से उसके सेकेंड डे होना, ये सब उससे कनेक्ट करता है। इतने सालों में ऐसा तो कभी हुआ नहीं इतना कुछ ऐसा। मोहम्मद अली रोड पर सुलेमान मिठाई वाला की दुकान भी साल 1936 से इस जगह पर है, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि आज तक बिना नोटिस दिए ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है। हमेशा बीएमसी निकलती है 10-11 बजे के बाद, लेकिन उस दिन 8-9 बजे ही निकल गए। जो पब्लिक, किसी की दुकानें बंद थी, किसी की चालू थी, तो उन्होंने डायरेक्ट आके अपना एक्शन लिया है, वो गलत था। क्योंकि उनको कम से कम नोटिस देना चाहिए, पहले बताना चाहिए कि हम 3 दिन पहले बताना चाहिए कि हम आने वाले ऐसा है, तो बीएमसी थोड़ा आती जाती है, कोई मुश्किल नहीं होता है। लेकिन इस बार इन्होंने कुछ ज़्यादा कर दिया। अब हमारी दुकान भी खाली इन्होंने छपरा तोड़ा है, तकरीबन 2 लाख रुपये खर्चा हमारा भी हुआ। इन दोनों कार्रवाई को लेकर हमने मीरा भाईंदर नगर निगम और मुंबई नगर निगम से संबंधित अधिकारियों से बात की। हमने अनधिकृत दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की है। नगर पालिका अधिनियम के अनुसार यदि सड़क या फुटपाथ पर कोई अनधिकृत दुकान है तो नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वे दुकानें हमारे डीपी रोड पर नालों पर बनी हुई थी। ये हमारी दैनिक कार्रवाई थी। मोहम्मद अली रोड पर कार्रवाई के बारे में मुंबई नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, जब हम सफाई अभियान के लिए क्षेत्र में गए तो हमने सड़क पर पाए जाने वाले फेरी वालों, स्टॉल के खिलाफ कार्रवाई की। दुकानों या संरचनाओं को ध्वस्त नहीं किया गया, दुकानों की छतों को ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि उन्हें बिना अनुमति के बनाया गया था। इस कार्रवाई का मीरा रोड के मामले से कोई लेना देना नहीं है। 18 जनवरी को हमने रेलवे के काम में बाधा बन रहे शिव मंदिर को भी तोड़ दिया था। ये सामान्य कार्रवाई है, सब कुछ नियमानुसार चल रहा है। नगर निगम की सीमा के भीतर अवैध दुकानों या फेरी वालों पर उस नगर निगम के अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाती है, लेकिन मुंबई नगर निगम के सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी गोविंद खैरनार का कहना है कि दुकानें तोड़ने या कोई भी कार्रवाई करने से पहले नोटिस देना पड़ता है। अगदी फुटपाथ पर
नगर निगम के एक्ट के तहत अगर फुटपाथ पर कोई आवासीय विज्ञापन है तो उसे बिना सूचना दिए नहीं हटाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर नई संरचनाओं के नोटिस लगा सकते हैं, लेकिन 2-4 महीने पुराना स्ट्रक्चर है तो हर किसी को नोटिस देना जरूरी है। कानून के मुताबिक 351 का नोटिस 7 दिन के अंदर देना होता है, इसके बाद 7 दिनों के भीतर जवाब मिलने की उम्मीद है। बिजली हो या ना हो, अनाधिकृत निर्माण को ऐसे ही नहीं तोड़ा जा सकता। बिजली देने का मतलब है कि उसे एक तरह से स्वीकृति दी गई है। उचित सूचना देकर कार्रवाई की जाती है। नगर निगम आयुक्तों के पास भी कोई विशेषाधिकार नहीं है। जाति, वर्ण और धर्म का विचार किए बिना कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए। मीरा रोड के नया नगर में बुलडोजर कार्रवाई के तुरंत बाद दूसरे दिन मोहम्मद अली रोड पर अनाधिकृत दुकानों पर कार्रवाई की गई। ये दोनों इलाके मुस्लिम बहुल हैं। सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों में ही कार्रवाई क्यों की जा रही है, विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता ये सवाल उठा रहे हैं। उनको एक सबक सिखाना था कि अगर आप इसका उत्तर दोगे तो फिर हम डेमोलिश करोगे। तो मीरा रोड में हो गया, उसके बाद ये मोहम्मद अली रोड पर 40 दुकानें तोड़ी है और एकदम गरीब लोग की दुकानें तोड़ रही है। ये जो रोज कमाने वाले लोग हैं कि एक जगह पे कम्युनल टेंशन को बढ़ाने का काम हो रहा है, ये यूपी का बुलडोजर फॉर्मूला लेकर आ जाते हैं। मुस्लिम समाज पे तो एक बहुत बड़ा दबाव पड़ता ही जा रहा है कि यू आर बेसिकली सेकेंड क्लास सिटीजन, संविधान कुछ भी बोल दे, डर फैल रहा है। और क्या है कि दोनों तरफ को डरा के रखा है, हिंदू समाज भी डर रहा है, मुस्लिम समाज भी डर, एक दूसरे से डर कि भाई ये, और डर से ही नफरत आती है, नफरत से हिंसा आती है। तो डर को निकालने का एक ही तरीका है कि दोनों समाजों के जो समझदार लोग हैं वो लगातार साथ में बैठे। बुलडोजर कार्रवाई की ऐसी शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हुई थी, तब उन्हें बुलडोजर बाबा भी कहा गया था। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान सरकार ने मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर का इस्तेमाल किया, जिस पर विवाद हुआ। इन सभी मामलों में ज्यादातर निशाना मुसलमान बने और बुलडोजर एक धर्म के खिलाफ कार्रवाई करने वाले औजार के रूप में देखा जाने लगा। हालांकि सरकार की तरफ से हमेशा यही कहा जाता रहा है कि ये कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ ही की जा रही है।